तो फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ कि आप जो यहाँ पर रिडीम कोड और पेपल कैश देख रहे हो, ये रिडीम कोड 10 रुपये का देख रहे हो आप लोग और 5 रुपये का पेपल कैश देख रहे हो, अगर मैं बोलूँ कि इन सभी चीज़ों का अगर आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल ही फ्री में बिना कोई पैसे को लगाए हुए ले सकते हो। जी हाँ, तो बिना कोई पैसे को लगाए हुए आप लेना चाहते हो तो भाई पेपल कैश और गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड, वो भी इंडियन रुपीज में 10-10 रुपये का रिडीम कोड ले सकते हो। और ये सभी को लेने के लिए करना कुछ भी नहीं है, मात्र आपको छोटे मोटे क्विजेस को प्ले करना है, लाइक मैथ क्विज, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर क्विज, इस तरह के क्विजेस पूछे जाएंगे। जैसे कि मान के चलो मैथ के क्विज यहां पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान के चलो आपको क्विज पता है तो भी, और क्विज पता नहीं है तो भी, आप लोग इन सभी में सही आंसर जाओ तभी, और गलत आंसर दो तो भी जाकर के आप लोगों को क्विज को प्ले कर। जैसे मान के चलो आप लोग यहां पर क्विज को फटाफट से मैं प्ले करके दिखाता हूं, ये मैथ क्विज हो गया, ठीक है। अब मैथ क्विज प्ले के देखो 21 पॉइंट रिसीव हो चुके, अभी यहां पर देख सकते होंगे 21 पॉइंट रिसीव हो गए। अगर मान के चलो कंप्यूटर क्विज पढ़ना है, ठीक है भाई, कंप्यूटर में मैं भी थोड़ा सा ब्रिलियंट हूं, थोड़ा सा ब्रिलियंट हूं, तो अब यहां पर देखो कंप्यूटर का क्विज को पढ़ रहा था, पर देख सकता हूं भाई सभी का सभी लगभग लगभग आंसर मेरा सही हो ही जाएंगे, लगभग लगभग सबका सब सही आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें पर भी 21 पॉइंट इसमें रिसीव हुआ, इसमें 24 पॉइंट रिसीव होगा, 25 पॉइंट तक का टोटल रिसीव होता है इसमें से। तो आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, अब इस क्वेश्चन को जवाब दो और क्विज खेल करके पैसे ले जाओ, रिडीम कोड ले जाओ, ठीक है। तो अगर आपको मजा आ रहा है वीडियो तो भाई वीडियो को लाइक करो। चलिए फटाफट से इसका फुल वीडियो आपको एक्सप्लेन करके मैं बताता हूं ताकि अर्निंग करने में दिक्कत ना हो। हमारे तबाही वाले एप्लीकेशन की तरफ आप लोगों को लेकर के चला जाता हूं, बताता हूं आज का जबरदस्त एप्लीकेशन को। जी हां दोस्तों, एप्लीकेशन को लोगों आप लोग देख सकते होंगे, एप्लीकेशन को लोगों आप लोगों को क्या देखने मिलता है, इजी क्विज करके देखने को मिलता है। भाई आप लोगों को बहुत ही ज्यादा गजब का एप्लीकेशन देने वाला हूं। सबसे पहले एप्लीकेशन को आप लोगों को ओपन कर लेना है, एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा भाई आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पर आपको बोला जाएगा भाई नेक्स्ट करने के लिए, चलो मैं नेक्स्ट करता हूं। साफ से इसमें बोल रहा भाई प्ले क्विज, यू कैन प्ले अर्न पॉइंट थॉट डेली क्विजेस इन क्विज ऐप, ऐसा करके, ठीक है। फिर यहाँ पर रैपर एंड अर्न का सेक्शन मिलता है, फॉर इनवाइटिंग योर फ्रेंड यू गेट 1000 कॉइन्स एज सोन एज योर फ्रेंड लॉग इन, ऐसा करके, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है भाई गेट अ रिडीम, भाई इंस्टेंट पे आउट मिलता है पेपल में और फिर गूगल पे रिडीम कोड ऐसे मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक ऑप्शन मिलता है भाई कि आप अपने मोबाइल नंबर को डाल करके ओटीपी के साथ में रजिस्टर कर सकते हो डायरेक्टली, बस आपको अपने मोबाइल नंबर को इंटर कर देना होता है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर इंटर करना, ओटीपी इंटर कर देना, ओटीपी इंटर कर देते आपको ओटीपी आते हैं आप लोग रजिस्टर कर पाओगे, ठीक है। चलिए फटाफट से मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूं और यहां पर गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करके रजिस्टर कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, इतना कर देने के बाद में आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी आप लोगों को ऊपर में कुछ लिखा हुआ रहेगा, करके कुछ लिखा हुआ रहेगा, उसको आपको ध्यान देना है। और फिर यहाँ पर एक प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन आएगा, प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर भाई आप लोगों को बहुत सारे पिक्चर्स मिलेंगे, अब यहाँ पर इन पिक्चर से मान के चलो किसी भी फोटो को यहाँ पर लगा, मान के चलो मैं इस फोटो को लगा दिया। यहाँ पर फुल नेम की जगह पर आपको एप्लीकेशन का नाम है, बट आपको यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ, जैसे मान के चलो एंड्रॉइड ज्ञान नाम डाल देता हूँ, एंड्रॉइड और फिर ज्ञान, एंड्रॉइड ज्ञान नाम डाल देता हूँ पर से। अब एंड्रॉइड का नाम डाल देने के बाद में भाई यहां पर आपको सेटअप प्रोफाइल का सेक्शन पर क्लिक कर देता हूं और अपना प्रोफाइल को सेट कर लेता हूं। तो भाई प्रोफाइल को सेट कर लेने के बाद में आप लोग यहां पर चेक कर सकते हो, इस जगह पर आप लोग चेक कर सकते हो भाई, आप लोग यहां पर एंड्रॉइड ज्ञान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोग यहां पर चेक कर सकते होंगे, अपडेटिंग डाटा से करके बोल रहा। अब यहां पर एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद में भाई देखो यहां पर आपको 25 कॉइन मिलेगा, अभी साइन अप के 25 कॉइन मिलते लेकिन आपको अभी नहीं मिला हुआ है, क्यों नहीं मिला आपको बताता हूं। यहां पर गौर से देखना भाई, आपको सबसे पहले प्रोफाइल का सेक्शन पर क्लिक करना है, यहां पर देखो आपको इस तरह से मिलेगा, लेकिन ये प्रोफाइल पिक्चर मैं आपको बाद में एडिट कर दूंगा। देखो यहां पर 25 कॉइन अभी मेरा यहां पर ऐड हो चुका है, अभी आपको यहां पर क्या मिला, 25 कॉइन ऐड हो चुके हैं, यहां पर गौर से देखो 25 कॉइन ऐड हो चुके हैं। अभी आपको होम का सेक्शन पर क्लिक करते हैं, यहां पर देखो 25 कॉइन ऐड हो चुके हैं। अब चलिए इसमें अर्निंग के मेथड को आपको समझाते हैं। यहां पर डेली बोनस का एक सेक्शन मिलता है, इस डेली बोनस का सेक्शन पर क्लिक करना है। डेली बोनस का सेक्शन पर क्लिक करोगे तो बोले जाएगा चेकआउट ऐप एंड गेट 25 पॉइंट, कलेक्ट का सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखो भाई 100 कॉइन रिसीव हो चुका है और भी डेली बोनस का कलेक्ट किया उस कलेक्ट करने के बदले में। उसके बाद आपको एक टेलीग्राम का सेक्शन मिलेगा, अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन का ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली इसका टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। भाई टेलीग्राम पर अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो भाई आप लोग चेक कर सकते होंगे, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर चुका हूं मैं, और यहां पर से टेलीग्राम पर आकर आप डायरेक्टली यहां पर ज्वाइन करना चाहते हो कर लेना, कुछ है ना टेलीग्राम पर, बस आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहां पर उसके बाद में एक ऑफर वाल का सेक्शन मिलता है, भाई ऑफर वाल का सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में आप लोग यहां पर से ऑफर वाल को आकर के कंप्लीट कर सकते हो। सीपीए का ऑफर वाल मिलता है, आप यहां पर से आप लोगों को आना है
और भाई आप लोगों को भाई एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इतने सारे नए नए एप्लीकेशन और इतना मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है। इसलिए बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे नए नए एप्लीकेशन आपको मिलते रहेंगे अर्निंग के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर देखो भाई बहुत सारे यहाँ पर टास्क ऊपर मिलते हैं, किसी भी टास्क को कंप्लीट करो, इस पर क्लिक करो, टास्क कंप्लीट करना है, ये रिडायरेक्ट करेगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आप मान के चलो प्ले स्टोर पर ले जाएगा तो प्ले स्टोर पर चले जाना, ऐप स्टोर पर ले जाएगा तो ऐप स्टोर पर ले जाएगा, जहां पर भी जाएगा वहां पर आप लोग चला जाना। और जिस जाने के बाद भाई आपको जहां पर से भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने बोले आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे मेरे भाई, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर इसका मैं पॉइंट जो भी मिल रहा है वो पॉइंट रिसीव हो जाएगा, लेकिन अभी मैं फिलहाल कर नहीं रहा हूँ, आप लोगों को बस बता रहा था। अब यहाँ पर से मैं चलिए बाहर निकल जाता हूँ। बाहर निकल जाने के बाद भाई एप्लीकेशन का अंदर, ओ भाई यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को हटा दिया, चलिए फिर से एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। अब एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद मैं आपको मैं समझाता हूँ पूरा अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखो 100 कॉइन और 6 हर्ट्स यह बचे हुए, ठीक। अब इसका मतलब क्या है ये बताऊंगा, लेकिन हमारा इस एप्लीकेशन का मेन मुद्दा था क्विज खेल करके अर्निंग करना। तो क्विज खेल के अर्निंग करने के लिए प्ले क्विज एंड अर्न ऐसे करके इस पर क्लिक करना। भाई ये अभी क्विज का सेक्शन बोर्ड है, लेकिन अभी क्विज खेला गया कहाँ पर ये आपको बताता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, एक स्पिन एंड व्हील का ऑप्शन मिलता है। भाई सबसे पहले मैं स्पिन एंड व्हील का बताऊंगा, क्योंकि जब अभी आपको क्विज खेल दूंगा तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। आपको पता चलेगा स्पिन द व्हील एंड अनलिमिटेड कॉइन डेली, ठीक है। आपको 5 स्पिन मिलते हैं डेली का डेली, देखो 9 कॉइन मिल चुके हैं। पर मैं फिर से स्पिन करता हूँ, फिर से स्पिन कर देने के बदले में आप लोग यहाँ पर चेक कर सकूंगा 8 पॉइंट फिर से रिसीव किया। फिर से यहाँ पर मैं क्लिक किया, फिर से क्लिक कर देने के बदले में गौर से देखो भाई यहाँ पर देखो 12 पॉइंट रिसीव हो गया। 5 स्पिन आपको टोटल मिलेंगे, 5 का 5 स्पिन को आपको कंप्लीट करना। आप लोग ऊपर में देख सकते होंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर आप लोग गौर से देख सकते हो, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे भाई कितना सारा मैं स्पिन किया। स्पिन कर देने के बदले बोल रहा है एक एड को देखोगे तो एक स्पिन आपको मिलेगा। तो अगर आप एड को वॉच करना चाहते हो तो एड वॉच करके यहाँ पर से आप लोग स्पिन ले सकते हो। अभी आप लोगों को आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे का ऑप्शन को समझाते हैं मेरे भाई। आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक सेक्शन मिलता है, तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते होंगे। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताते हैं भाई। सबसे पहले आप लोगों को क्विज का सेक्शन मिलता है, मतलब क्विज खेल करके अर्निंग करने का मौका मिला है, तो भाई क्विज को खेलना है। अब देखो भाई ने बोला तो करने का, तो करने का। अब यहाँ पर देखो कंप्यूटर और जनरल नॉलेज और भाई मैथ का क्विज मिलता है। चलो मैं मैथ के क्विज से शुरू करता हूं। भाई आप लोगों को पता ही होगा मैथ क्विज कितना इजी क्विज होता है। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन स्टेटमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए, इसका ए ब्रैकेट 2 और फिर 4 एंड बी ब्रैकेट 2-4। तो भाई अगर इसको इधर करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो +2 4 हो जाएगा भाई। यहाँ पर ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है, लेकिन भाई बी वाला तो कटेगा कि नहीं कटेगा, जहां तक मुझे पता चल रहा है कि मेरा आंसर गलत होने वाला है। तो भाई ये वाला शायद आंसर नहीं, भाई ये वाला होता शायद, कौन हो पता नहीं चला भाई, लेकिन आंसर गलत हो गया भाई। मैथ मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इतना को इतना से डिवाइड, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो भाई 7 से डिवाइड करेंगे तो इतना तो करना पड़ेगा। अगर आपको टाइम इसमें तो मिलता, देखो 7588 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो मान के चलो मैं अपना कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं देखो 588 डिवाइड 7 तो 84 आ रहा है, तो आप यहाँ पर से 84 का यूज कर सकते हो। देखो 84 आया तो सही हो गया। सही होने के बाद में यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट कर देने के बाद में आपको ऊपर में क्वेश्चन कहीं मिलता है, व्हाट इज द 75,025 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो भाई 75,025 तो ये वाला होगा भाई। यहाँ पर मैं क्लिक किया, क्लिक कर देने के बाद में नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। हमें पता है कि इतना को 2 से डिवाइड देंगे तो भाई कितना होगा, तो भाई 36 तो 3 3 6 भाई इतना तो नहीं होगा, और 4 4 8 ये भी नहीं होगा भाई, मुझे तो पता नहीं है, मतलब इतना कोई डिवाइड देंगे 2 से तो। लेकिन अगर हम लोग अगर बढ़िया से मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड करें तो यहाँ पर देखो भाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है 46। हाँ भाई देखो सही हो गया। तो अपने यहाँ पर गौर से देख सकते हो, इस तरह से कर करके नॉर्मल क्विज खेलना है। और विच इज द ग्रेटर देन इतना और इतना, मतलब इतना से इतना कौन ग्रेटर, बड़ा कौन है, ठीक है। तो भाई इतना और इतना से बड़ा 38 16 तो ये नहीं है, मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये वाला बड़ा है। तो भाई ये वाला को मैं मार देता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। इस तरह से करके आप लोगों को 10 क्विज टोटल प्ले करने हैं। अब यहाँ पर सही मतलब आपको भाई मोर देन ऐसे करके, इतना से मोर देन इतना करके है, तो भाई अब यहाँ पर से इससे सब तो लगभग बेसी है, तो भाई इसी को मार देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 70 डिग्री और बी कितना होगा, तो बोला जा रहा है कि ए एंड बी 2 पैरेललोग्राम
एंगल्स, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में भाई बराबर नहीं होता भाई, 90 डिग्री या फिर 180 110 डिग्री वाला होता शायद। नंबर चलो मैं नेक्स्ट करता हूँ। और बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू, मतलब इसमें से कौन सही है। तो 17 को 0 से इंटू करेंगे 17, 0 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो 9 और 37 डिवाइड 37 तो 0 1 आता है भाई। 25 को 1 से डिवाइड देंगे तो 25, ये सही था। तो यहाँ पर मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको 9 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 9 6 72, नहीं भाई 9 भाई इसका तो पता नहीं कितना से डिवाइड देता, लेकिन नेक्स्ट करते हैं। लास्ट 10 क्वेश्चन है, राइट द राउंडेड ऑफ द इतना, इतना का राउंडेड कौन है भाई, तो ये शायद होगा। तो यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ। यहाँ पर देखो, कंग्रेचुलेशंस यू विन 21 पॉइंट, लेट्स प्ले अगेन ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेट्स प्ले अगेन का ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर देखो क्विज को खेल करके पॉइंट्स की अर्निंग में कर लिया हूँ। अब ये तो भाई मैथ क्विज हो गया, अभी आपको मैं मैथ क्विज के साथ में कंप्यूटर क्विज खेल करके दिखाऊंगा जिसमें मैं काफी ज्यादा माहिर हूँ। तो ये तो भाई ए नॉलेज हो गया, ठीक है। अब हमें भाई कंप्यूटर में नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर नॉलेज सभी को होता है, लेकिन भाई सभी को थोड़ा मोड़ा नॉलेज होता है, पूरा नॉलेज नहीं होता है। इसी के लिए सभी को में से मैं भी एक हूं, तो भाई इसी में से थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा ओपन फिर से करके दिखाता हूं। थोड़ा सा वाईफाई से चल रहा है तो मैं वाईफाई को फिर से कनेक्ट कर रहता हूं, उसके बाद आप लोगों को बताता हूं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आएगा भाई आप लोगों को। भाई मैं चाहता हूं आप लोगों को एक से एक बढ़िया तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों को मन में कोई क्वेश्चन ना रहे। भाई इसमें कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया कि द सिस्टम यूनिट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर टू टाइपिकल कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो भाई ये मुझे भी पता नहीं यार, मतलब लगभग सही, मतलब जितना भी बोल रहा हूं मैं उसमें तो मुझे भी कुछ पता नहीं। जावा ऑर्गेनाइज इनवाइटेड बाय, तो भाई माइक्रोसॉफ्ट तो नहीं, नोवा सन ऑर्गेन कैसे करके, भाई मुझे भी पता नहीं चल रहा इसमें से क्या क्या आंसर होगा। तो बोला जा रहा है 1 TB 1 TB इज इक्वल टू 1024, तो भाई ये वाला सही है। हाँ ये सब छोटा मोटा नॉलेज है, नॉलेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज अन ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी में कौन आता है, तो सीडी रैम आता है। अब यहां पर बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो भाई विंडोज होता है एक होता है, विंडोज भी मानते हैं, मतलब ऑल ऑफ दिस मानते हैं, सभी के सभी ही है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है भाई, कंट्रोल नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, द बेसिक फंक्शन कंप्यूटर कौन होता है, तो भाई स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इनपुट, और भाई लगभग सब सही है, ठीक है। तो यहां पर मैं मार देता हूं इसे। फिर बोला जा रहा है कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड एंड यूजेस्ट ऑफ एप्पल INC, तो भाई एप्पल का तो iOS जो होता है ना, वो एप्पल का ब्रांड होता है। यहाँ पर 10 में से 10। अब बोला जा रहा है कि विच इज द फॉलोइंग कंप्रेशन करके गुजरा द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, तो प्रोग्राम, कीबोर्ड, बायो मेमोरी, तो भाई यहाँ में से तो भाई मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो भाई प्रोग्राम, कीबोर्ड, मेमोरी, भाई इसमें से ये वाला सही लग रहा था। हाँ चलो सही है, फिनिश हो चुका है। यहाँ पर देखो भाई फिर से 24 पॉइंट मुझे रिसीव हो चुके हैं। तो भाई इस तरह से करके क्वेश्चन खेलना है और क्वेश्चन को क्विज खेल करके अर्निंग करना। यहाँ पर मान के चले क्विज खेलने के बाद भी यहाँ पर एक ऐड आ गया, छोटा सा ऐड आता है, इस ऐड को पहले मैं कट कर देता हूँ। आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ ना किस तरह से करके क्विज को प्ले करना है, अब मैं इस ऐड को पहले कट करता हूँ। ऐड को कट कर देने के बाद में अब मैं इस ऐड को कट करके आप लोगों को नेक्स्ट लेवल का आगे का बात बताता हूँ, ठीक है। स्पिन उस्पिन का सेक्शन समझ गए होंगे, एक वॉच एंड अर्न का सेक्शन मिलता है। बोला जा रहा है वाच वीडियो रिवार्डेड वीडियो टू गेट एक्स्ट्रा प्लस 2 पॉइंट चांस टू प्ले क्विज। भाई यहां पर देखो जितना बार आप क्विज खेलोगे ना, क्विज खेलने के बदले में ये वाला जो हार्ट है ये कम होता जाएगा। जितना बार आप क्विज खेलोगे ये हार्ट आपका यहां पर से कम होगा, ये जो दिख रहा ना हार्ट ये कम होगा। और इस हार्ट को बढ़ाने के लिए आप लोगों को वीडियो को देखना पड़ेगा। तो वीडियो यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर से आप लोगों को वीडियो को देखोगे तो आपको यहां पर वीडियो वॉच करने के बदले में वो हार्ट मिलेगा। अब वो दो हार्ट मिलेगा, मतलब दो बार क्विज खेल सकते हो, ठीक है। तो दो बार क्विज खेलोगे तो भाई आप मल्टीपल क्विज खेल कर करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, जस्ट मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूं उस तरह से कर करके, ठीक है। तो मल्टीपल क्विज खेलते जाओ और मल्टीपल क्विज खेलने के बाद में आप लोग यहां पर से पॉइंट्स की अर्निंग करते जाओ। अब पॉइंट अर्निंग करने में कोई टेंशन तो नहीं ना, मतलब क्विज खेलना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हो तो भाई आप लोगों को क्विज खेलना चाहिए, मैं तो बोलूंगा भाई मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है सभी को क्विज खेलना चाहिए। रीजन यह है कि भाई जो क्विज खेलोगे भाई उसके बदले में आप लोगों को बेनिफिट ही है, क्विज खेलने से कोई नुकसान नहीं है, आपको बेनिफिट ही है। यहां पर सबसे पहले देखो भाई यहां पर आपको लीडर बोर्ड पर चेक करना, तो भाई यहां पर देखो लीडर बोर्ड पर कौन कितना अर्निंग किया है। न्यू वन 1000, माय फुल नेम इतना अर्निंग किया, ये सब लोग जो है इतना अर्निंग किया हुआ, ठीक है। तो इसमें से भाई एंड्रॉइड गन भी है जो कि मैं ही हूं, ये एंड्रॉइड गन 10th नंबर पर आ रहा है, अभी मैं ये मैं ही हूं, ठीक है। अभी भाई ये मैं हूं तो अभी आप लोगों को बताऊंगा आगे चल करके कि मैं इतना 25 पॉइंट क्यों मुझे रिसीव हुआ है, अभी आगे आपको बताएंगे। यहां पर एक इनवाइट एंड अर्न का सेक्शन
कमीशन मिलता है। भाई यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको 200 कॉइन मिलेगा, ठीक है। कलेक्ट 200 पॉइंट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो 200 पॉइंट रिसीव हो गया। जैसे मैं यहाँ पे 200 पॉइंट वाला ऑप्शन पर क्लिक किया तो 200 पॉइंट मुझे रिसीव हुआ। क्यों रिसीव हुआ है कि फॉर इन्वाइटिंग योर फ्रेंड टू गेट 500 कॉइन एज सोन एज योर फ्रेंड लॉग इन एंड योर फ्रेंड गेट 200 कॉइंस। मान के चलो मैं एंड्रॉइड ज्ञान के तरफ से आया था इस एप्लीकेशन में तो मुझे 200 पॉइंट मिला जो कि अभी मैं कलेक्ट किया और ये मेरे वॉलेट के अंदर में ऐड हो चुके, ठीक है। अभी मेरे वॉलेट के अंदर में ऐड हुए जो कि मैं 200 कॉइन अभी रिसीव हुआ। अभी मैं इनवाइट एंड अर्न का सेक्शन पर जाता हूं। अब मुझे 500 कॉइन मेरे उस एंड्रॉइड ज्ञान के आईडी पर मिल चुका होगा। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो एक बार मैं अभी मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है तो मैं चलो अभी ट्राई कर लेता हूं। भाई ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहां पर मैं लीडर बोर्ड का ऑप्शन पर जाता हूं तो भाई यहां पर जाने के बाद में एंड्रॉइड ज्ञान 25 पॉइंट अभी दिखा रहा है मेरा। यहां पर एंड्रॉइड ज्ञान 25 पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन एक और एंड्रॉइड ज्ञान कहां गया भाई, जो एंड्रॉइड ज्ञान में शुरू में ही आईडी बना हुआ था मेरा मेन आईडी एंड्रॉइड ज्ञान किधर है यार। तो भाई वो एंड्रॉइड ज्ञान वाला आईडी नहीं दिखा रहा है, इसमें 25 कॉइन दिखा रहा है। बट अपडेट हो जाएगा यार, टेंशन नहीं लेना है, एंड्रॉइड गेम भी अपडेट हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे राफा रनिंग का कैसे क्या सीन है। 500 कॉइन मिलेगा एक राफर पर और आपको 200 कॉइन मिलेगा जो कि अभी आपको मैं ले करके दिखाया और 300 कॉइन मेरे पास ऐड हो चुके हैं। अभी आप लोगों को बात करते हैं भाई लीडर बोर्ड के साथ में आपको प्रोफाइल का एक सेक्शन मिलता है। तो प्रोफाइल का सेक्शन पर आने के बाद में आप यहां पर चेक करते हैं इजी क्विज ऐप करके एक सेक्शन मिलता है जिसमें अगर आप यूट्यूब वीडियो इसका देखना चाहते हो तो आप इसका यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं। तो अब चलिए आप लोगों को मेन बात बताते हैं रिडीम का। वॉलेट का सेक्शन पर क्लिक कर देना है। वॉलेट का सेक्शन पर क्लिक करोगे भाई आप लोगों का सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पेपल में 5 रुपया का रिडीम से ना भाई, पेपल में 5 रुपया का रिडीम तो होता नहीं है, ये बात तो आप सभी को पता होगा। लेकिन भाई ये पेपल लिखा हुआ है, अगर ये पेटीएम का रहता भाई तो पेटीएम का काफी ज्यादा इजी रहता, लेकिन भाई पेटीएम नहीं है, ये पेपल है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते पढ़ो, सेलेक्ट चूज कॉइन टू रिडीम, आपको कुछ में रिडीम लगाना है। पेपल में लगाना तो पेपल ईमेल डाल देना, टू रिडीम योर पेपल अकाउंट इंटर योर ईमेल आईडी टू गेट गूगल प्ले वाउचर अमाउंट विल क्रेडिट टू योर अकाउंट इन 24 आवर्स। तो इस तरह से करके बोल रहा है अगर आप रिडीम कोड लेना चाहते हो तो भाई 6,990 पॉइंट जमा करो और 10 रुपए का रिडीम कोड ले लो। अगर आप 10 रुपया का रिडीम कोड लेना चाहते हो तो, नहीं तो अगर आप 10 रुपया का पेपल कैश लेना चाहते हो भी ले सकते हो। अगर आप डॉलर में लेना चाहते हो जैसे कि $2 का अगर आप लेना चाहते हो गूगल प्ले का गिफ्ट कार्ड तो वो भी आप ले सकते हो। यहां पर से आना है और इस जगह से ले लेना है, बस आप लोगों को नॉर्मली इस तरह से काम को करना है, ठीक है। तो अब यहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का सेक्शन पर आप लोग कितना बार रिडीम लगाए हो इन बातों को देख सकते हो। तो ये रहा था हमारा आज का नया वाला एप्लीकेशन। और आज के इस एप्लीकेशन में आप लोगों को पूरा बिंदास बता चुका हूं क्या क्या ऑप्शन है और कैसे कैसे काम को करना है। तो अगर आप लोगों को दिक्कत है तो भाई कमेंट करके बताओ। यहां पर मैं मान के चलो मैं अपना ईमेल आईडी इंटर करता हूं PK, भाई एक दूसरा ईमेल आईडी है तो एक मिनट यहां पर मैं चेक करके इंटर करके यहां पर मैं डाल के रिडीम का दिखाता हूं। बोलो अगर यू डोंट हैव इनफ कॉइन, जैसे आपको कॉइन आ जाएगा भाई आप रिडीम लगा पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से कर करके आप लोग यहां पर चेक कर सकते हो। चलिए फटाफट से आज के वीडियो को इतने पर रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत।